सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान पहुंच गए। सरमायाकारी की नई राहें खुलने का इम्कान, मौजूद मेहमान का वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। सऊदी वफ के दीगर अरकान रात 10 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी वफ सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा और हम मनसब वजरा से मुलाकातें करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीका में US पाक बिजनेस काउंसिल के वफ से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अजम पर तबादला ख्याल। ऐलानी के मुताबिक वजीर खजाना ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने के लिए हुकूमती अजम उजागर किया। और वजीर आजम की जेर सदारत बिजली शोबे से मुतालिक आला सतह जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली के तरसीली निजाम को बेहतर किया जाए, निरखों को कम करें ताकि सनअती सार्फीन को कम लागत पर बिजली दी जा सके। चलती ट्रेन में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का शिकार, मरियम बीबी की मौत, खुदकुशी या कत्ल, भाई का तशद्दुद करने वाले एहलकार पर कत्ल का इल्जाम। कहा 7 अप्रैल को तशद्दुद के बाद रेलवे पुलिस एहलकार मेरी बहन को अपने साथ ले गया था। बहन मरियम कराची में ब्यूटी पार्लर में मुलाजमत करती थी, कराची से ईद मनाने जड़ावाला आ रही थी। भाई की रेलवे कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ कत्ल का पर्चा कटवाने की दरखास्त। भाई का कहना है मुलजिम साथियों के साथ बहन से छेड़छाड़ कर रहा था, मना करने पर तशद्दुद किया, पर्स से नकदी और जेवर भी निकाल लिए। खातून के साथ ट्रेन में मौजूद नन्हे भतीजे ने भी मामू के बयान की तस्दीक कर दी। गम से निढाल लवाहिकीन की इंसाफ के लिए दुहाई। मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की लाश चन्नीगोड़ के करीब से मिली। तर्जुमान रेलवे का कहना है मुसाफरों के मुताबिक खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। पुलिस एहलकार के मरियम को मारने पीटने और घसीटने हुए ले जाने का वाकया हैदराबाद के करीब पेश आया। मरियम की लाश बहावलपुर के करीब चन्नीगोड़ से मिली। रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। DIG रेलवे साउथ जोन की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल मीर हसन को हिरासत में ले लिया गया था। पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक आमिर तांबा की हलाकत में भारत मुलव्वस है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदातें कराता रहा है। वफाकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी कहते हैं FIA बलूचिस्तान में 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात कर रही है। बहावल नगर वाकये से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। प्लेस्को में 83 करोड़ यूनिट की ओवर बिलिंग हुई। 300 यूनिट वाले गरीब आदमी की भी ओवर बिलिंग की गई। FIA ने इस ओवर बिलिंग को पकड़ा है। ओवर बिलिंग खत्म होने तक ये मुहिम नहीं रुकेगी। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द का दौरा पाकिस्तान, सरमायाकारी की नई राहें खुलने का इम्कान। सऊदी वजीर खारजा की क्यादत में वफ्द 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मौके का जायजा लेगा। सऊदी वफ्द की सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा और हम मनसब वुजरा से मुलाकात होगी। वफ्द की SIFC की एपिक्स कमेटी से भी मुलाकातें मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब में वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया था। ये अमर इंतहाई काबिले मुसर्रत है कि वजीर आजम के दौरे के चंद ही रोज के अंदर सऊदी अरब की तरफ से एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान भेजना, मैं समझता हूँ कि ये पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर एक नया बाब है। सऊदी वफ्द का दौरा ताज़ा हवा का झोंका है। वजीर आजम के दौरे के चंद रोज बाद सऊदी वफ्द का आना नया बाब है। सरमायाकारी के नए मौके खुलेंगे। वजीर इत्तला तता तारर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा रेकोडेक और मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी का जायजा लिया जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा सऊदी अरब पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आया है। सऊदी वफ्द के दौरे से खुशखबरी मिलेगी। माहिर मईशत फाकान अजीब कहते हैं सऊदी अरब का $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक पाकिस्तान में मौजूद है। मजीद $2 अरब डिपॉजिट आ सकता है।
तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। लोअर दीर में घर की छत गिरने से खातून और तीन बच्चियां जा भाग। टांग में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई, स्कूल टीचर और बच्चा जा भाग, 13 अफराद बह गए। तलाश शमसी खान नदी में, गाड़ी फंसने से ड्राइवर डूब गया। खैबर बाड़ा में छत गिरने से 5 अफराद जा भाग, लाशें निकाल ली गयी। मलबे तले दबे 4 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चित्राल में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से शाहराहें बंद हो गयी। मवासलाती राबते मुनकता, कालाम और स्वात के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। कालाम और बालाई स्वात का जमीनी राबता बहाल ना हो सका। मटा रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मुकामी अफराद ने पहाड़ और पत्थरों को लकड़ियों की मदद से रोक लिया। इंतजामिया से फौरी मदद की अपील। हरनाई में नदी नाले बिफर गए, पानी शाहराहों पर आने से हरनाई का दीगर इलाकों से जमीनी राबता कट गया। चाकी में बारिशों के बायस दर्जनों मकानात गिर गए। मस्तूंग में कौमी शाहरा पर दरार पड़ गई। वली खान बाईपास को बंद कर दिया गया। पशीर और कोलो में नशीबी इलाके जेरे आब। बलूचिस्तान हुकूमत ने रेन और अर्बन इमरजेंसी नाफिज कर दी। करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। कराची से मोबाइल छीनता है, वो कैसे जाता है अफगानिस्तान? स्ट्रीट क्राइम की वारदात को एक इंडस्ट्री बना दी गई है। ये लोगों को सड़कों पे मार रहे हैं। अब तो इबादत गाय महफूज नहीं है। ज्यादा सच बोला जाएगा तो बोल दिया जाता है जी ये तासुब दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन वजीर को। कराची में डकैती इंडस्ट्री बन गई। कराची से छीना गया मोबाइल अफगानिस्तान कैसे पहुँच जाता है सब जानते हैं। कराची में वारदातें कौन कर रहा है? सच बोलेंगे तो कहा जाएगा तासुब फैला रहे हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो वजीर कहते हैं अमनो अमान कायम है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में पुलिस अमनो अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी। वफाकी हुकूमत मामले को संजीदा लेकर एक्शन ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं 3 माह में कराची में अमन कायम कर देंगे। और ये ट्रेंड सा बन गया है कि भाई आईजी से लेके नीचे हेड मोरर तक उनको चेंज कर दे। इनके खिलाफ आपको इंटेलिजेंस हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई बैकग्राउंड हो, उसको बेशक आप चेंज कर दें, लेकिन इन मास चेंज करना उसे पूरा फिर वो मैकेनिज्म खराब हो जाता है। आईजी सिंह ने निगरान दौर में तबादलों को जराइम बढ़ने की वजह करार दे दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा रिवायत बन गई है, जब भी निगरान हुकूमत आती है आईजी से हेड मोरर तक को तब्दील कर दिया जाता है, जिससे पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाता है और जराइम बढ़ने की बड़ी वजह यही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज में 1300 कैमरे लग रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के केसेस, शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज इलाही साहब के, ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे तकरीबन 106 साथी पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। PTI की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद हैं। 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं 6 जजेस का खत सिस्टम के खिलाफ चार्जशीट है। हमारी तहरीक का मकसद आयन और कानून का तहफ़ है। रऊफ हसन का कहना है मौजूदा हुकूमत आयन के साथ खिलवाड़ कर रही है। PTI के लोगों के साथ पुलिस गर्दी की गई, जबर और जुल्म किया गया। बहावलपुर वाकये की तहकीकात होनी चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाज 24 अप्रैल तक मुलतवी। खावर मानिका के वकील रजवान अब्बासी ने कहा केस के अहम गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। निकाहकार ने दोनों से निकाह के शराइत मुकम्मल होने का पूछा था। निकाह के गवाह ओम चौधरी ने फरवरी 2018 में हुए निकाह की तस्दीक की। वकील रजवान अब्बासी ने मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं दूसरी पार्टी के पास कहने के लिए कोई ठोस बात नहीं, दलाइल इख्तिताम के करीब थे। वकील ने मजीद बहस से इनकार कर दिया।